कम्युनिटी डे एंड क्लासिक कम्युनिटी डे। तो गाइस जनवरी में जो फर्स्ट कम्युनिटी डे हुआ था वहां पर बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी डे मिस हो चुका है, एक ही वजह से, वो है टाइमिंग। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है कि इसके बाद जितना भी 2024 में कम्युनिटी डे आएगा, अगर ये ट्रिक्स आपको पता होगा तो कोई भी कम्युनिटी डे आपका मिस नहीं होगा। सिर्फ कम्युनिटी डे नहीं, यहाँ पर देखो क्लासिक कम्युनिटी डे, स्पॉटलाइट आवर, रेड आवर, टाइमिंग, रेड डे, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो टोटल कैसे मैं मैनेज करता हूँ टाइमिंग्स को, लोकेशंस को, वो ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पॉकेट शेयर के एक नए वीडियो में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कम्युनिटी डे तो जितना भी इवेंट्स होता है, देखो इवेंट्स का अपडेट तो मैं देता हूँ, वहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डेट एंड टाइम। तो गाइस अभी इंपॉर्टेंट है टाइम, हर एक इवेंट का अलग अलग टाइम्स होता है। पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जनरली जितना भी इवेंट्स होता है लाइक डेजलिंग ड्रीम और जितना भी इवेंट हो रहा है रिसेंटली, वो सब इवेंट जब स्टार्ट होता है 10 AM लोकल टाइम से स्टार्ट होता है एंड 8 PM लोकल टाइम में खत्म होता है। तो ये लोकल टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको लोकल टाइम का ट्रिक पता हो गया भाई, वो कोई भी इवेंट जो भी कंट्री में आप पार्टिसिपेट करते हो आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज बात करेंगे कम्युनिटी डे से। अगर कम्युनिटी डे आपको समझ में आ गया तो आपका कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 प्लेस या 3 प्लेस का आपको नाम बताता हूं, जैसे सिडनी, ज़ारागोज़ा, न्यूयॉर्क, ये तीनों प्लेस में कोई भी इवेंट सबसे ज्यादा प्ले किया जाता है। अभी तो गाइस ज़ारागोज़ा बहुत ही फेमस हो चुका है। अभी गाइस मैं आपको सिडनी एंड ज़ारागोज़ा का टाइम बताता हूं। जैसे सिडनी का टाइम है 9:30 AM लोकल टाइम, ये इंडिया में मतलब जो कम्युनिटी डे होता है उसका टाइम है। तो ये जो टाइम है 9:30 AM, ये आपको कहां प्ले करना है, मतलब कब प्ले करना है, इंडियन लोकल टाइम 9:30 AM जब आप घड़ी में देखोगे तब आपको सिडनी के लोकेशन में प्ले करना है। वहां पर आपको कम्युनिटी डे मिल जाएगा, देख पाओगे वहां पर स्पॉन हो रहा है। एंड एक बहुत ही कॉमन मुझे क्वेश्चन अभी मिलता है, अभी देखो कम्युनिटी डे में तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, तो लाइव स्ट्रीम में मुझे मिलता है कि भाई मैंने भी प्ले किया है वो टाइम में, बट मुझे वो पोकेमॉन स्पॉन नहीं हुआ, नहीं मिला। भाई 2 PM to 5 PM लोकल टाइम जो टाइम है ना, वो आपको इंडिया में प्ले करना है। अगर आप अलग कंट्री में जाके प्ले कर रहे हो एंड आपका टाइम है 2 PM to 5 PM तो वहां पर स्पॉन नहीं होगा। सो हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम होता है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई कौन सा कंट्री में क्या टाइम है, तो उसके लिए एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर पिन कमेंट में आपको टोटल मिल जाएगा, मतलब कि कौन सा कंट्री में कोऑर्डिनेट क्या है एंड टाइम्स क्या है। तो एक बेस्ट कंट्री सिलेक्ट करो, कोई भी एक जो आपका बेस्ट लगता है आपके टाइमिंग के हिसाब से, तो वो कंट्री को सिलेक्ट करो, उसमें जितना भी इवेंट्स होता है वो प्ले करो। इससे 2 फायदा मिलेगा, एक तो आपको कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा, प्लस जो अभी बैन होने का जो चक्कर है वो भी नहीं होगा अगर आप एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लोगे। तो वहां पर जाके आप लोग टाइमिंग्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप कोई भी इवेंट लाइक, जैसे आप लोगों को पता है सिनो टूर हो रहा है, उसके बाद रेड डे होगा, रेड आवर होगा, बहुत कुछ होता है, स्पॉटलाइट आवर, सब कुछ आप बिंदास प्ले कर सकते हो। बट अभी एक चीज आपको मैं बताता हूं, यहां पर देखो एक कंडीशन है, यहां पर जब आप कम्युनिटी डे को प्ले करोगे, अभी आप बोलोगे भाई रेड कब होता है, रेड 10 AM से स्टार्ट होता है। गाइस मान लो अभी सिडनी में, सिडनी का जो लोकल टाइम होता है मतलब इंडियन लोकल टाइम के हिसाब से 9:30 AM अगर इंडियन टाइम 2 PM के समान है, मतलब इक्वल है, तो आप अभी कैलकुलेट करो जो इंडियन जो सिडनी का 10 AM लोकल टाइम होगा वो क्या हो सकता है इंडियन टाइम में, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। अगर उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड एक अलग सा वीडियो चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक कंट्री को चूज करूंगा एंड उसका अलग अलग टाइम बता दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग अगर कम्युनिटी डे को मिस नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जाओ, वो टाइम जोन को देखो एंड उसको देख के हर एक कंट्री में आप प्ले कर सकते हो, लेकिन एक ही कंट्री को चूज करना जिससे आप वही कंट्री में सब इवेंट प्ले कर पाओ एंड आपको बैन भी ना लगे। तो ये एक बहुत ही सेफ मेथड है जो मैं खुद यूज करता हूं एंड अभी तक तो मुझे उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।